मालिश मेरे मैं भी लगाऊं मुंह पे लोशन। हाँ कल मट्टी का हाथ पूछो ये। ओ बाल्टी में धोखा गंदे कर रखे। धो ले कपड़े ना भिगो लिए रगड़ के। तो क्या हो गया? ओ का दादी के दादी के लड़ा पोता लड़ा। यहाँ पर अभी जो है ना मैं किचन में पहुंच चुकी थी। दरअसल जो है ना तेल मंगाया है देसी, तो अभी इसको ना रिता के रख रही थी मैं बड़े वाले मग्गे में, जिसमें मतलब सारा ऑयल मैं रखती हूँ, बोतल वगैरह मैं नहीं रखती हूँ। तो अब इसको इसमें डाल के रख दूंगी मैं। बोतल का क्या ना लुढ़क उड़क जाए तो सारा खिंड जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके ले जाती हूँ, ज़्यादा भी नहीं। अभी जो है ना 6-7 दिन की जो मलाई इकट्ठा हो रही थी उसमें से मैंने मक्खन निकालना शुरू कर दिया है। थोड़ा थोड़ा करके सारा मक्खन जो है मेरे को निकाल लेना है। और ये मलाई अक्सर बहुत लोग मलाई गर्म कर लेते हैं, मैं मलाई गर्म नहीं करती। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखूंगी मैं भी, पर मुझे सबसे आसान लगता है ये घी भी गर्म करना है, कल करेंगे। तो यहाँ पर बन रही है छोले की सब्ज़ी। जी हाँ, छोलों का मसाला देखिए क्या ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इसमें टमाटर, लहसुन, प्याज, साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, सारी चीज़ें डाली हुई हैं। चूल्हे पर बन रही है छोले की सब्ज़ी। तो बताना कमेंट करके हमारी सब्ज़ी कैसी लगी है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें तरिया आप लोगों को काफ़ी सारी दिखाई दे रही होगी। जब कोई पूछेगा कहाँ से है, किसकी है, क्या है, तभी मैं बताऊँगी। तो यहाँ पर जो है ना आलू छोले मैंने इसमें डाल बाद मैंने नहीं उन्होंने डाल दिए हैं, और इसको ना अच्छे से मिक्स कर दिया। थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे, इसको बनने देते हैं। भाई देखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी लग रही है, बड़ी मेहनत के साथ में ये सब्ज़ी बनाई जा रही है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। आगे आगे आप देखिएगा, आगे आगे पता चलेगा आपको। एक चीज़ और आप लोगों के साथ में शेयर होने वाली है फिलहाल। बहुत होगी क्या? अभी मैं यहाँ पर है ना कपड़े धुल रही थी। कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा रहता है सच में, कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं सर्दियों में। तीन तीन चार चार कपड़े तो नीचे डाल के रखते हैं वे, और फिर मोजे, और फिर जब मतलब भाई बच्चों के तो निकल जाते हैं दिन में कोई एक जोड़ी, दरअसल ट्यूशन वगैरह जाते हैं तो उनको तो चेंज करके भेजना पड़ता है। ऐसे हाल में तो नहीं भेज सकती कि गंदे उंदे कपड़ों में ऐसे भेज लूँ। घर का कुछ राशन जो है वो ख़त्म हो रहा था बच्चों के लिए, थोड़े से जमे चीनी सरफ ये सब चीज़ें की हैं, और बच्चे जो है ना आराम से खा पी लेंगे। खाने पीने का भी देखो ये है, अपने लिए नहीं तो बच्चों के लिए सब चीज़ करनी पड़ती है। सरफ भी ख़त्म हो रहा था कपड़े धोने में, सरफ की सबसे ज़्यादा है ना हमारे घर में सरफ चीनी पत्ती सबसे ज़्यादा खर्चा है 3-4 चीज़ों का, बाकी इतना नहीं लगता है। और चीनी तो इसलिए लगती है ना कि कच्चा मीठा वगैरह नहीं खाते, गुड़ वगैरह जो है ना थोड़ा बहुत ही रखती हूँ मैं, कभी खिचड़ी या किसी चीज़ के लारे ले लिया। अभी बनने वाली है यहाँ पर क्या, आगे आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ऑयल गर्म होने देते हैं, उसके बाद आगे आगे आप लोगों को पता चलेगा क्या बनने वाला है। हाँ जी, ऑयल हमारा जो है अभी वो पूरी तरीके से गर्म हो चुका है, उसमें भाप निकलनी शुरू हो गया है। नीचे की साइड दिखाते हैं हम कौन सी चीज़ है जिसमें अब बनने वाली है। हाँ जी, अभी बन गया आलू पालक की पकौड़ी। तो एक एक करके सारी पकौड़ी जो है वो इसमें तेल में छोड़ दी जाएगी। तो आप सब भी आ जाइए छोले की सब्ज़ी खाने, आलू पालक की पकौड़ी खाने के लिए। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। मेरे चैनल का नाम है विलेज ब्लॉगर ज्योति। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आप सबके कमेंट्स का, और आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जो नए हैं प्लीज़ वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और देखिएगा ज़रूर। अगर किसी बात से असहमत हो तो कमेंट ज़रूर करना, मैं कोशिश करूँगी कि वो चीज़ें मैं सही कर पाऊँ। तो यहाँ पर है ना थोड़ा सा अभी पकौड़ी भुन तलने लग रही है, थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे करके सारी पकौड़ी उतार ली जाएगी। तो क्लिप आगे पीछे कभी कभी हो जाती है, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है मेरे को, और कुछ डिफरेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी को है ना सर्दी का मौसम है, पालक की पकौड़ी खाने आना ही पड़ेगा। ऐसे मौसम में ना ज़्यादातर वैसी ही चीज़ें खाते हैं। सर्दी बढ़ती जा रही है, आप लोगों के यहाँ कैसी सर्दी है मुझे कमेंट करके बताना। हमारे इधर बहुत हो रही है, एक दीदी का कमेंट आया था कि हिमाचल में बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। जी बिल्कुल होगी, हमारे यहाँ पर भी काफ़ी है। और मैंने चाची जी से एक कप सर्फ लिया था कपड़े धोने के लिए परसों, तो आज उनका एक कप सर्फ जो है ना दे के आ जाता है, क्योंकि हमने जो है ना मंगा लिया है तो उनका देना बनता है। और अभी उनको सर्फ देने के लिए ही मैं जा रही थी, मैंने आवाज़ लगाई दीवार पर तो चाची जी नहीं बोली, मैं समझ गई कि वो अंदर है शायद टीवी वगैरह देख रहे हैं। आजकल जो है ना लड़ाई चल रही है, वो ये उसको देख रहे थे, बता रहे गाजा और एक और कौन कौन से देश हैं उनमें आपस में झगड़ा हो रहा है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो
वही देख रहे थे चाचा चाची, मैं उनको सर्फ दे के आई और अभी कर रही हूँ मैं शाम की पूजा। तो बोलिए राधे 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 श्याम, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। और अभी पूजा कर लेते हैं बस, तो आप सब भी हो जाइए शामिल। पूरे दिन में सुबह शाम भगवान जी का नाम का टाइम निकालना चाहिए, ऐसे तो आदमी पूरा दिन काम में ही निकाल देता। कि देखो लो पहली मम्मी खोलूं, खोलो दिखाओ दूसरा पैर, दिखा दूसरा भी दिखाओ, ये देखो इसमें कहाँ इस दूसरी भी बना दिया मेरी बड़ी हो। दूसरी बना दी, अब इस वाली में पहन कर दिखाओ इसे, सीधी कर लो उल्टी हो रही इस वाले को नहीं। ओ शाप किचन में मैं पहुंच चुकी हूं और मुझे बनानी है अपने लिए चाय। तो मेरी थोड़ी ना तबीयत ढीली सी हो रही है, थोड़ा सा है ना मेरे को फीवर मालूम दे रहा था, तो वो भी रहा है मालूम क्या दे रहा था। गैस का चूल्हा जो है वो नीचे रख ले, जब खाना बनाना होता है चाय बनानी होती है नीचे उतार लेती हूँ। अभी थोड़ी भूल लग रही है मेरे को, एक दो दिन लगेगा फिर मैं थोड़ा थोड़ा मेरा ध्यान जो है वो हो जाएगा। अभी लगता है एक दो दिन जब हम शुरू से कोई काम करते हैं तो उसे छूटने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी जो है ना गैस नीचे रख ली और मुझे अपने लिए एक कप अदरक की और तुलसा की चाय बनानी है। बहुत ज़्यादा कंधों में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कंधे किसी ने पकड़ के खींच दिए हो, इतना दर्द हो रहा था। तो मैं यहाँ ना दूसरा भगोना देखा, मैंने थोड़ी देर पहले कायरव को दूध दिया था, उसमें थोड़ा सा दूध बचा हुआ है, उसी में चीनी हल्की सी चीनी और डालूँगी और पत्ती डाल लूँगी और इसी में चाय बना लूँगी। कुछ तुलसा के पत्ते ला के इसमें डालूँगी अपने लिए ना, एक कप कटोरी जो भी है गरम गरम चाय बनाती हूँ, एक दो बिस्कुट वगैरह खा लूँगी तो थोड़ा लेट जाऊँगी, फिर दवाई लेनी है। देखो अभी क्या है ना, जब कंटिन्यू किसी काम को करना पड़ता है तो फिर उसके लिए अभी घर का है ना कंटिन्यू काम ही होता है, फिर थोड़ा रेस्ट नहीं मिलेगा शरीर को, तबीयत ख़राब है तो फिर काम करने में मेरे को दिक्कत रहेगी। मेरे को क्या है ना दवाई खा के थोड़ा रेस्ट करूँगी फिर शाम को काम करना होता है, ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन ना। वीडियो का कमेंट चेक कर रही थी तो मुझे किसी ने कमेंट किया दीदी ये कैप आपको अच्छी नहीं लगती, तो ये कैप अच्छी नहीं लगती क्या कमेंट करके बताना, बट मैं सोच रही हूँ कि सर्दी सी कैप में निकल जाए। और हाँ एक नहीं भी क्या कैसा मुँह, एक तो मुँह तेरा काला हो रहा है ऊपर से ऐसे ही कैमरा उठा के वीडियो बना देती है, तो मुझे नहीं लगता कि मुँह ज़्यादा साफ सुथरा करके वीडियो बनाने से ही लोगों को मैं पसंद आऊँगी। जिन्हें पसंद करना है वो मुझे हर हाल में करते हैं, हर स्थिति में करते हैं, पर आपकी बात सही है मैं अपने फेस को क्लियर करके तभी बात किया करूँगी, थोड़ा ठीक सा लगे बिल्कुल, कहीं ना कहीं नाराज़गी नहीं है, सही है आपका कमेंट। बट एक कमेंट मुझे बार बार आया है, वो दीदी शायद पंजाब से हैं, उन्होंने बार बार यही कमेंट किया है कि ज्योति आप ये बोल रही थी कि आपकी भाभी ने आपका स्लैब गलत बताया, तो किस दिशा में नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ मेरे स्लैब का मुँह है दक्षिण साइड में, तो दक्षिण साइड में स्लैब नहीं होना चाहिए किचन का, ना ही स्लैब पर उस पर रोटी बनानी चाहिए। दक्षिण साइड को खाना बनाने वाली का मुँह हो गया, जैसे मेरा स्लैब दक्षिण साइड में हो गया तो मेरा मुँह भी दक्षिण साइड को हो गया खाना बनाते टाइम, तो उससे ऐसा घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, झगड़ा रहता है, बीमारी रहती है, आदमी रोगों से ग्रस्त रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं, मतलब मेरे को अब जा बहुत थोड़े टाइम पहले चाची जी ने ये बात बताई थी कि तेरा स्लैब जो है वो किचन का गलत है तो इस पर खाना मत बनाया कर, मैंने इतना ध्यान सन दिया उस चीज़ पर। अब भाभी आई वो बोली कि तुम इस साइड को मुँह करके खाना बना रही हो, दीदी मेरी बात मानो उतार दो, आप तो वैसे ही बीमार रहती हो, इधर को मुँह करके मत बनाओ बिल्कुल भी। तो मैं गैस जो है ना वो नीचे रख लेती हूँ, नीचे रख के मैं कभी कभार कभी भूल जाती हूँ, एक दो दिन लगेगा, थोड़ा आदत सी बनी हुई ना टाइम लगेगा, चीज़ें याद आने लगेगी। तो फिर मैंने क्या किया गैस नीचे उतार कर खाना बनाना शुरू कर दिया। और हाँ जी आप भी कभी भी रसोई में स्लैब गिरवाओ तो आपका खाना बनाने वाली का मुँह दक्षिण साइड में नहीं होना चाहिए, बाकी आप उस पर सामान टेक सकते हो, अगर दक्षिण साइड में कोई स्लैब पड़ा हुआ है उस पर गैस रख के खाना ना बनाएं, आपका मुंह दक्षिण साइड को हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा आपको हानि होने वाली है उस चीज़ से। तो मेरे को बोला है पूरब, मतलब किचन में स्लैब गिरवाओ तो पूरब दिशा को आपका फेस होना चाहिए खाना बनाने वाली का, जिधर सूरज निकलता है पूरब में उधर को मुँह हो तो बहुत शुभ माना जाता है। और एक चीज़ और बोलते हैं कि आजकल जो है ना बहुत लोग अभी तो थोड़ा अभी पता है, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, कभी भी है ना रसोई जो है वो जीने के नीचे नहीं बनवानी चाहिए।
मतलब जैसे हम लोग जीने के नीचे रसोई बनवा लेते हैं कि भाई छोटी सी अलग सी रसोई जीने के नीचे बना ले, तो बोलते हैं कि खाना उलखा जाता है, क्योंकि जब हम उस जीने से छत पे चढ़ के जाते हैं, आते हैं, उतरते हैं, तो खाना उलग जाता है। भले वो कुछ लोग बोलेंगे खाना वहाँ धरा थोड़ी ना रहता है, बनता तो है ना, तो जीने के नीचे भी रसोई ना बनवाएं। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगी कि हमारे बड़ों की कहावत है, आग और पानी कभी एक जगह नहीं रखने चाहिए। तो जैसे क्या करते हैं हम लोग, जैसे हमने रसोई बनवाई है और रसोई के ऊपर हमने पानी की टंकी टिकवा दी, तो आग पानी एक जगह नहीं होने चाहिए, बल्कि बर्तन मांजने की जो सिंक वगैरह होती है वो एक अलग बात होगी, ऊपर हम रसोई की टंकी रखवा लें पानी की, तो वो भी बिल्कुल ना रखवाए, बहुत अशुभ माना जाता है वो चीज़ भी, उससे भी बहुत हानि होती है। ठीक है जी, हमारे मेरे खुद के मायके में है ना टंकी जो है वो रसोई के ऊपर थी, फिर हमें पंडित जी ने बताया तो फिर हमने वो अपने बाथरूम पर टिकवाई थी। एक चीज़ और है, मैं खुद लाती थी वो चीज़ अपने मायके से, अभी मेरे को फिर पता चला कि नहीं लानी चाहिए। कहते हैं मायके से अगर लड़की अचार डलवा के लाती है तो उससे भी नकारात्मक ऊर्जाएँ आती हैं, पति पत्नी में तनाव ज़्यादा रहता है, रिश्ते ख़राब होते हैं। मुझे इस चीज़ का नहीं पता था, तो अपने घर पर ही डलवा लो, पर मायके से अचार ना मंगाओ। देखो जो चीज़ मेरे को सही लग रही है मैं बोल रही हूँ, तो मैं खुद लाई हूँ, मैं अब कभी नहीं लाऊंगी वो चीज़ें, मैं नहीं करूँगी जो मतलब जिनसे हानि होती है, मेरा रिश्ता ख़राब होता है। तो मैं गैस का चूल्हा उतार दिया है नीचे, और ये चीज़ें मैं आपके लिए बता रही हूँ दीदी। आपने तीन तीन कमेंट्स किए हैं, अगर आपका स्लिप गलत है तो आप उस पर बिल्कुल भी खाना मत बनाओ, डब्बे वगैरह रख लो, गैस का चूल्हा नीचे टेक लो या फिर दूसरा स्लिप डलवा लो। तो चलिए फिर मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे। और जो इस चीज़ को निगेटिविटी मिलेगा उनसे एक ही बात बोलूँगी, मैं ना अच्छे के लिए बता रही हूँ, बुरे के लिए नहीं, कहीं ना कहीं मेरा भी नुकसान हो रहा था, आज मैं फ़ायदे में जाना चाहती हूँ, ये चाहती हूँ कि हमारा सब कुछ सुधर जाए। तो आगे किसी के घर में अगर होगा ऐसा तो वो भी थोड़ा अपना चेंज करा ले।